क्या बजट को लेकर ये यूनियन बजट जो 2024-25 का पेश किया गया था, ये एक तरीके से सबके लिए ड्रीम बजट है, सब सेक्शन के लिए और खास करके युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए। इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिकॉर्ड नंबर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एलोकेशन हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का 11 लाख करोड़ से भी ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये ऐतिहासिक है। और अलग अलग राज्यों के लिए जिस प्रकार से खास करके जो ईस्टर्न इंडिया जो इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा पिछड़ा है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट के लिए जो भी आज बजट में अनाउंसमेंट हुआ है, मुझे लगता है कि ये ईस्टर्न इंडिया एक इकोनॉमिक हब के रूप में उभर के आएगा। और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अभी बिहार से लेकर के झारखंड, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट का होने वाला है। और विशेष रूप से जो स्किलिंग के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो अनाउंसमेंट हुआ है वो ऐतिहासिक है। और जितने कार्यक्रम चलाने वाले हैं और युवाओं के लिए रोजगार इससे उत्पन्न होने वाला है, ये देश का आत्मनिर्भरता के लिए बहुत बड़ा योगदान होने वाले हैं। साथ साथ में महिलाओं को अलग से जो स्कीम सपोर्ट देने का जो प्रावधान रखा है, ये बहुत ही सराहनीय है। और नॉर्थ ईस्ट में बैंकिंग को लेकर के, नॉर्थ ईस्ट में बैंकिंग का खास करके पहाड़ों में दूर दराज इलाकों में बैंकिंग सर्विसेज का थोड़ा सा कमी जो थे वो भी इस बजट में वित्त मंत्री जी ने जो अनाउंसमेंट किया है उससे नॉर्थ ईस्ट का फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत जोरदार से मेन स्ट्रीमिंग होने वाले हैं। इसके अलावा 3 करोड़ आवास योजना गरीबों के लिए शहरों में और ग्रामीण इलाकों में घर बनाने वाला है, वो भी ऐतिहासिक है। और फिर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, इसका बहुत बड़ा शुरुआत आज के इस बजट में झलकता है। लेकिन सर, ऑपोजिशन ये कह रहे हैं कि आपने अपने एली पार्टी को खुश करने के लिए क्या है, ऑपोजिशन ने अगर ऑपोजिशन पार्टी ने क्रिटिसाइज किया, मतलब ये बहुत अच्छा बजट है, इसलिए वो निराश हो गई है। क्योंकि अच्छा बजट है, देश के लिए अच्छा बजट आया है, इसी से ऑपोजिशन पार्टी चिंता में है। बजट में आप बताइए, एक सेक्टर बताइए जिसको आपने नज़रअंदाज किया, कहीं ऐसा नज़र नहीं आता। हर एक सेक्टर के लिए इस बजट में प्रावधान रखा है, खास करके ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, सब लोगों के लिए एक ड्रीम बजट है। आप टैक्स देखिए ना, कितना छूट मिडिल क्लास के लिए, सैलरीड क्लास के लिए, पेंशनर्स के लिए जो छूट दिया है, और कैंसर पेशेंट के लिए जो छूट दिया गया है दवाइयों के लिए, ऐसा बजट आज तक आपने कभी देखा नहीं होगा। सबसे ज्यादा बात बिहार और ये आंध्र प्रदेश को लेकर हो रही है। बिहार में भी रावड़ी देवी जी ने बोला कि झुंझुना थमा दिया है, वहाँ पर स्थिति इतनी खराब है, मर्डर हो रहा है, ये हो रहा है। आप लोग बिहार में जो नेपाल से फ्लड आते हैं उसको सिर्फ बिहार का प्रॉब्लम मत देखिए। बिहार में नेपाल से जो फ्लड्स आते हैं बरसात के समय में, तबाही मचते हैं, ये देश का समस्या है। इसको सिर्फ बिहार का समस्या क्यों बोलते हैं विपक्ष के लोग? ये बिहार क्या भारत का हिस्सा नहीं है? बिहार का समस्या, बिहार का फ्लड का समस्या सालों से चलते आ रहे हैं, इसको इतना बड़ा कदम इस बार मोदी जी ने उठाया है, तो सबको इसको सराहना करना चाहिए, इसको वेलकम करना चाहिए। अगर विपक्ष हमारे आंध्र प्रदेश को अगर अच्छा पैकेज मिल रहा है, तो फिर विपक्ष का इसमें सर दर्द क्यों हो रहा है? इतना अच्छा बजट बार बार देखने को नहीं मिलता है, इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करता हूं और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं।